हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है जेपी पावर। यहाँ पर अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कैलिबर है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और डबल तो ये कभी भी यहाँ पर होने के पूरे चांसेस है, कभी भी हो सकता है। तो इस शेयर की तरफ आप निगाहें बना सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके यहाँ पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर सोच समझ के और सीख के। तो हम आज की डेट में किस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले? हम बात करने वाले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करूं तो आप यहाँ हमारे चैनल पर जाएंगे और पिछले वीडियोस देखेंगे तो 350 रुपए पे जब ये स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड करता था, 400 रुपए भी आपको बताया, 350 रुपए भी यहाँ पर शेयर को बताया है। जब ये यहाँ पर ट्रेड करता था तब मैंने आपको ये स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बताया था। उसके बाद एक अच्छी खासी रैली हमने 850-900 तक देखी थी, उसके बाद शेयर यहाँ पर गिर चुका है अगेन इस शेयर। और बीच में भी यहाँ पर जब ये शेयर इस लेवल पर आया था तब भी यहाँ पर बताया था, इस लेवल पर आया था तब भी बताया था, अगेन अब नीचे आया है तो यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड बातें हो रही है। तो क्यों इससे रिलेटेड बातें हो रही है, क्यों इस शेयर में मुझे अब यहाँ पर से अच्छे खासे आपको स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म के पर्पज से यहाँ पर ये शेयर मुझे अच्छा लग नजर आता है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, इसे जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले वीडियो मिले और आप यहाँ पर वीडियो का आनंद ले सके। एज वेल एज यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर दे रखे, अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही आपको यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेनी है। तो हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो हम किस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं? हम बात करने वाले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो एक बेहतरीन लेवल पर ये शेयर चल रहा है। इससे का बिजनेस मॉडल क्या है वो आप सभी जानते हैं, काफी बार आपको बताया भी है। जहां पर पीछे सिक्योरिटीज लग गया तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करता है। यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकिंग, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, मर्चेंट एंड बैंकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर बिजनेस होते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर आप एडवाइजिंग की बात कर लीजिए, यहाँ पर बात कर लीजिए मर्चेंट मेकिंग की, एज वेल एज यहाँ पर ब्रोकिंग की, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो इनके होते हैं उसकी, तो ये सारे के सारे इसके अंडर ही आते हुए दिखाई देते हैं। अगर बिजनेस के सेगमेंट की बात करें तो इनके जो रेवेन्यू है 63% ब्रोकिंग से आता है, 15% डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, 16% प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट से आता है, 6% का इशू एंड एडवाइजरी सर्विसेज से आता हुआ दिखाई देता है। मार्केट पोजीशन की बात करें तो कंपनी हैज 8.9% मार्केट शेयर इन द इक्विटी सेगमेंट एंड 3.2% मार्केट शेयर इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। तो अगर बात करें काफी बड़ा यहां पर एक नंबर माना जाता है, और जैसे जैसे भारत में लोग एजुकेट होते जा रहे हैं तो वो फाइनेंशियल मार्केट को समझ रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं, और जितने भी यंग एज के लोग हैं वो यहाँ पर आके धीरे धीरे यहाँ पर इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे चल के भारत में अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो केवल 9 करोड़ अकाउंट ही यहाँ पर है, धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है, कैसे 2 करोड़ से 9 करोड़ हो गया पिछले 2 साल के अंदर अंदर, और अगेन ये धीरे धीरे बढ़ के अगर 50 करोड़ और 1 अरब तक जा सकता है, तो थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगेगा। और जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसका फायदा सीधे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और डिफरेंट ब्रोकिंग स्टॉक्स को यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो डोमेस्टिक से 93% रेवेन्यू, आउटसाइड इंडिया 7% वाई नेटवर्क है इनका, ICICI 174 यहाँ पर नेटवर्क ब्रांचेज हैं इनकी, और ओवर 1520 बिजनेस नेटवर्क पार्टनर्स है, अलग अलग सब ब्रोकर्स है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स है वो। क्लाइंट बेस की बात करें अच्छा खासा इनका क्लाइंट बेस है, न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये लॉन्च करते रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग चीजें इनसे रिलेटेड बता रखी है। एक बार वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगी कि ये जो इनके इनका बिजनेस है। तो देखिए रिटेल में बात करते हैं, रिटेल में यहाँ पर देखिए कमोडिटीज, ग्लोबल इन्वेस्टिंग, मार्जिन, करेंसी यहाँ पर सब चीज में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड, एनपीज, इंश्योरेंस से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड ये होम लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ये प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस ये कंपनी देती हुई नजर आती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, बड़े बड़े लोग का पोर्टफोलियो यहाँ पर आईसीआईसीआई के पास है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट इनके पास है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इक्विटी की में यहाँ पर है। तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ बात करें जब इतना बड़ा मॉडल है, इतने बड़े लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट है, तो मार्केट कैप की बात करें तो 20,000 करोड़ का है, यहाँ पर मिड कैप कंपनी यहाँ पर नजर आती है। अब पीई की बात करें 14 का पीई है, और यहाँ पर बात करें इंडस्ट्री का 25 का पीई है, तो यहाँ पर पीई के मामले में भी शेयर यहाँ पर सस्ता यहाँ पर नजर आता है, और लगभग 900 रुपए से करेक्ट होकर 626 पे आ गया है, और यहाँ पर फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू यहाँ पर शेयर की नजर आती है। आरओसी आरओई की बात करें तो काफी बेहतरीन है, आरओसी और आरओई आपको पता ही है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी, तो 37% और 70% एक बेहतरीन नंबर आता है। और ऐसे नंबर अगर आपको मिल जाते हैं ऐसे किसी शेयर में
स्ट्रॉन्ग शेयर में और इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो आप अगर इस तरीके के यहाँ पर 30% 35% के हिसाब से आपके पैसे बढ़ते रहते हैं ना साल में, तो याद रखिए करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। डेट यहाँ पर देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसके बिजनेस मॉडल में जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट लोन वगैरह देता हुआ नजर आता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर जब लोन देता हुआ नजर आता है ऐसी कंपनीज के में डेट नहीं देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये डेट प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद चीजें यहाँ पर भागती हुई दिखाई दी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन है। यहाँ पर मार्च 2019 से लेके अभी पिछले 12 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो देखिए हाईएस्ट एवर नंबर, तो लगभग डबल यहाँ पर सेल्स होती है नजर आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए 608 करोड़ का है, जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ पर बेहतरीन है। और यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 65% का है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी ज्यादा है और ईयरली बेसिस पे भी ज्यादा है। तो मतलब कंपनी के नंबर सब पैमाने पे अच्छे खासे है, बस नीचे शेयर आया है। किस वजह से आया है? जस्ट बिकॉज पूरी मार्केट में गिरावट थी और इस शेयर को भी यहाँ पर वैल्यू एडजस्टमेंट करके नीचे लाया जा रहा था, तो अभी यहाँ पर शेयर बेहतरीन हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें 380 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एक साल पहले 267 था और अभी एक क्वार्टर पहले 351। तो कंपनी हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और ईपीएस पिछले 12 महीने में ₹3.77 से यहाँ पर ₹11.79 हो गया। तो मतलब यह कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। ईयरली बेसिस पे भी कंपनी की लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऐसा कोई साल नहीं किया जहाँ पर कम परफॉर्मेंस हो, बट बीच में यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। अगेन जैसे यहाँ पर अकाउंट ओपन हुए कंपनी दोबारा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर 1372 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट 5 साल में किस तरीके से बढ़ा है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोरिंग देखेंगे नहीं, क्योंकि बोरिंग का काम है इनका। वर्किंग प्रोग्रेस में वहां पर 12 करोड़, इन्वेस्टमेंट 4 करोड़। कैश की बात करें कंपनी का लगभग 4960 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, अच्छा खासा कंपनी के पास कैश भी है। जो भी पैसा यहाँ पर आता है वो नेगेटिव में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बार का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो लगभग 75% ही यहाँ पर है, पूरे के पूरे अच्छे खासे शेयर यहाँ पर कंपनी के पास। मतलब इनके प्रमोटर्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ही होगा, हाँ आईसीआईसीआई बैंक है। एफआईआईज की बात करें 6.58, तो लगातार एफआईआईज यहां पर खरीद रहे 1% से, पिछले 12 क्वार्टर में यहां पर 7% के आसपास लिया है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस यहां पर इससे थोड़ी सी बेचते हुए नजर आ रहे हैं, बट धीरे धीरे अब यहां पर दोबारा खरीदारी हो रही है इनकी। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास यहां पर 5% से 10% की हिस्सेदारी हो गई है, तो फिर भी यहां पर कम होती नजर आ रही है, 12 से यहां पर 10 हो रही है। पब्लिक के पास से शेयर का जाना, एफआईआईज डीआईएस का खरीदना सिंपली इंडिकेशन होता है कि शेयर को यहाँ पर फ्यूचर में भाग नहीं है। देखिए यहाँ पर एक राउंडिंग अप टॉप बना के यहाँ पर चीजें नीचे आई और एक बेहतरीन सपोर्ट लेते के यहाँ पर चीजें यहाँ पर ट्रेड भी कर रही है। इससे पहले भी देखिए यहाँ पर ही ये शेयर यहाँ पर बार बार आता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद यहाँ पर देखे तो यहीं से ये शेयर भागता हुआ भी दिखाई दिया था, यहाँ पर भी एक सपोर्ट पहले भी ले चुका है। और नीचे के लेवल की बात करें, अगर शेयर गिरने को आया तो यहाँ पर 30-40-50 रुपए का यहाँ पर गिरावट हो सकती है। तो 50 रुपए पर शेयर अगर गिरता है तो कोई यहाँ पर रिस्क की बात करें तो इतनी रिस्क है। और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर शेयर सीधे अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, और ऑल टाइम हाई तक जाता है तो सीधे कितने 50% के रिटर्न बनते हैं। 50% के रिटर्न का मतलब है एक साल में भी ये रिटर्न आ जाते हैं तो आपका 50% का CAGR बनता है, और इस हिसाब से पैसा कमाओगे, 10 लाख रुपए लगाओगे, 1000 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए। तो इस तरीके से ही चीजों को यहाँ पर सीखना है, समझना है। ओके, अब और बाइंग सेलिंग किसी भी तरीके की नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं ये वॉल्यूम सीधे इंडिकेशन करते हैं कि यहाँ से शेयर को भागना है। अब एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए एंजल वन को देखेंगे तो एंजल वन ऑलरेडी यहाँ पर भाग लिया है। यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर से देखेंगे 1300 रुपए से यहाँ पर शेयर 1600 रुपए हो चुके हैं। आज भी 14% यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप देखी गई है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर ब्रेकआउट पे ये शेयर यहाँ पर अब खड़ा हुआ है, कभी भी ऊपर भी जा सकता है। बट हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की अभी, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी इसी तरीके का चार्ट पैटर्न बना के कभी भी ऊपर जा सकता है और आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है। तो यहाँ पर जब दूसरा इसका पार्टनर, इसका राइवल, इसका पीयर कंपनी भाग लिया तो ये भी शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। बट आपको अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेना है। मैं यहाँ पर पहले भी बताया तो पहले की भी मेरी बाइंग है, अगेन मैंने यहाँ पर बाइंग करी है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेके ही कुछ करिएगा। और हमारी सर्विस चाहिए इस तरीके की स्टॉक्स, पहले जानने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहले ही यहाँ पर पोजिशन ले ले ऐसे स्टॉक्स में, तो ये नंबर दे रखे हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाइए ही आई, और यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरी वीडियोस को जाके देखिए, सीखिए। यहाँ पर देखिए ये भी शेयर डबल पैसा करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरे स्टॉक्स भी बताया है वहां पर भी अच्छा खासा परफॉर्म हो रहा है। तो
जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप शेयर को, हमारे चैनल को बढ़ाने की कोशिश करें। जितना हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा, जितना हम परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरीके से, आगे सभी को यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।